बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 24 नवंबर 2020 और दिन है मंगल का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में हरूब पर गए हुए अफराद दोबारा कैसे सऊदी अरब आ सकते हैं। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन, जद्दा हमले में तेल की सप्लाई मुतासिर नहीं हुई। हमारी तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी अरब के शहर तवीक पहाड़ पर G20 के अख्ताम का जश्न। हमारी आज की आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को गर्दलूद हवाएं, बुध से बारिशें शुरू होंगी। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब से हरूब पर गए हुए अफराद दोबारा वापस कैसे आ सकते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि बेशतर ममालिक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बैनुल अक्वामी सफ़र पर पाबंदियां आयद की गई थीं, जिनका मकसद लोगों को इस मर्ज से महफूज रखना था। कोरोना से बचाव के लिए सबसे अहम समाजी फासले के असूल पर अमल करना है। यही वजह थी कि तमाम ममालिक ने इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वीज़ों का अजरा रोक दिया था। ताहम जैसे जैसे इस मर्ज पर काबू पाया गया, पाबंदियां भी उठाई जाने लगी। सऊदी अरब में भी कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बाद पाबंदियां रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ाहिरीन की आमद भी महदूद सतह पर जारी है। ये ऐसे करंट इवेंट्स के कायरीन की जानिब से इकामा और हरूब के हवाले से मुख्तलिफ सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनके जवाबात पेश खिदमत हैं। मलक बिलाल साहब ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में हरूब कितने अरसे के लिए लगाया जाता है, 5 साल या ताहयात। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में मेहनत कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो अपने कफील यानी स्पॉन्सर के पास काम करने के बजाय इनसे फरार होकर दूसरी जगह काम करते हैं, इनका ये अमल गैर कानूनी होता है। नाजरीन, ऐसे कारकुनों के बारे में इनके स्पॉन्सर्स हरूब यानी फरार की रिपोर्ट कर देते हैं। हरूब लगने के 15 दिन के अंदर अंदर कफील इसे बआसानी मनसूख करा सकता है। 2 हफ्ते के मुकर्रा मुद्दत गुजरने के बाद हरूब को मनसूख करना आसान नहीं होता। इसके लिए लेबर ऑफिस में केस फाइल करना पड़ता है, जिसकी कार्रवाई काफ़ी तवील होती है। कानून के मुताबिक जिन कारकुनों का हरूब फाइल होता है और वो इस इल्ज़ाम के तहत मुमलकत से डिपोर्ट होते हैं, इन पर आइंदा के लिए मुमलकत आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। नाजरीन, हरूब के केस में डिपोर्ट होने पर ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। ताहम ताहयात इंतहाई नादिर केसेस में होता है, जिनमें संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले शामिल होते हैं। बसूरत दीगर हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वाले आमतौर पर 5 से 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि हरूब के केस में डिपोर्ट होने वाले को तहकीकाती अफसर के फैसले से भी मुतला किया जाता है, जिसमें ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत भी बता दी जाती है। जमील साहब ने सवाल पूछा है कि मेरा इकामा 1 साल के लिए सिस्टम में तजदीद हो गया है, अफसर में चेक किया इसकी तारीख भी बढ़ गई है, मालूम ये करना है कि इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो गई है, क्या मैं जवाजात के बाहर लगी मशीन से नया कार्ड प्रिंट करा सकता हूँ, क्या नुस्खे की तब्दीली किए बगैर पाकिस्तान सफ़र कर सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों का इकामा कार्ड 5 साल के लिए बनाया जाता है, जबकि इसकी तजदीद सिस्टम में हर साल की जाना ज़रूरी होती है। नाजरीन, सिस्टम में तजदीद इसी वक्त होती है जब इकामे की मुकर्रा फीस अदा की जाए। आपका कहना है कि सिस्टम में आपके इकामे की तजदीद कर दी गई है और अफसर पर भी नई तारीख आ गई है, आपके इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो इस बारे में याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने इकामे या इससे मुंसलिक दीगर मामले के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू नहीं कर सकते। इकामा कार्ड प्रिंट कराना कफील या स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। कफील या कंपनी का मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से इकामा कार्ड हासिल करने का मिजाज है। जवाज़ात के बाहर लगी मशीन से इकामा कार्ड प्रिंट नहीं होता, बल्कि वो मशीन जवाज़ात के सिस्टम अपशर में रजिस्टर कराने और अकाउंट बनाने के लिए नस्ब की गई है। नाजरीन, जहाँ तक आपने पूछा है कि इकामा कार्ड के बगैर आप छुट्टी पर जा सकते हैं या नहीं, इस हवाले से जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुमलिकत से बाहर जाते वक्त इकामा कार्ड आपके कफ़ील के पास होना चाहिए। सफ़र करने के लिए पासपोर्ट और खरूजोदा का होना ज़रूरी है, जबकि सिस्टम में आपके इकामे का रिकॉर्ड इमिग्रेशन वालों के पास मौजूद है, इसलिए इकामा कार्ड होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के शहर जद्दा हमला में तेल की सप्लाई मुतासर नहीं हुई। नाजरीन, जद्दा में अरामको तस्नीबात को निशाना बनाने से तेल की सप्लाई मुतासर नहीं हुई। सरकारी टीवी चैनल अखबारिया के मुताबिक वजारत तवानाई के आला अहदेदार ने कहा है कि हौती हमलों से मुतअद्दिद तेल टैंकों में से एक टैंक मुतासर हुआ है। नाजरीन, मुतासर होने वाले टैंक में तेल की मिकदार 5 लाख बैरल थी। इससे पहले सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत तवानाई के ज़राए के हवाले से कहा था कि हौतियों की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मिसाइल हमले से तेल की सप्लाई लाइनों में भड़क उठने वाली आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। अरामको कंपनी ने तेल की सप्लाई लाइन को जल्द ही बहाल कर दिया। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ। नाजरीन, तवीक पहाड़ पर G20 के अख्ताम पर जश्न। तवीक पहाड़ पर G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के अख्ताम का जश्न के अनवान से G20 प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी करदा वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। इसका दौरानिया 1 मिनट से भी कम का है। ये शाह सलीमान वलीअहद और सऊदी अरब की तारीख की झलकी पेश कर रहा है। इसमें सरबराह कॉन्फ्रेंस का मोटो शरीक ममालिक के परचम लहरा रहे हैं। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक सऊदी अरब में पहली बार मुनक्किद होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर बरादर और दोस्त ममालिक के अलावा बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और मकामी तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। सऊदी शहरियों के साथ यहाँ मुकीम अरब ममालिक के बाशिंदे इस बात पर मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं कि मुमलिकत पहला अरब मुल्क है जहाँ G20 के सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुमलिकत में मुकीम बरज़ख़ीर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के शहरियों को ये कहते सुना जा रहा है कि 2020 के दौरान जो पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली साल था, गैर मामूली कॉन्फ्रेंस गैर मामूली तौर पर कामयाब रही। कॉन्फ्रेंस में फैसले भी गैर मामूली और तारीखी किए गए। नाजरीन, चलते हैं अब अपनी आखिरी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरेबिया में मंगल को गर्द आलूद हवाएं, बुध से बारिशें शुरू हो रही हैं। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक का कहना है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बुध से बारिशों की तवक्का है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक ट्विटर अकाउंट की जानिब से इस बारे में मज़ीद कहा गया है कि तवक्का है कि बुध के दिन से बारिशें शुरू हो रही हैं। अल-ज़ाक ने बताया कि ममलिकत के जनूब मगरबी इलाकों से बारिश का आगाज़ होगा, जिसका सिलसिला मगरबी और वस्ती और मशरकी इलाकों तक फैल जाएगा। जज़ान, बाहा, असीर, मक्का, मदीना, गसीम, रियाद और हाइल के इलाकों में बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल मंगल को सऊदी अरब के 3 इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। मशरकी रीजन के अलावा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजन्स के मशरकी इलाकों में गुबार की वजह से हद नज़र महदूद हो जाएगी, जबकि जनूब मगरब के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए खास और अहम खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में नई मालूमाती खबरों के साथ। खबरनामा ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से खुसूसी गुजारिश करूँगा कि काइंडली वो अपनी नमाजों का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके अपने वक्त पर अदा की जाए। जितना मुमकिन हो सके अपने घरों के इर्द गिर्द पौधे, फूल और दरख्त उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी।